हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में, दैट इज नंबर सिस्टम। आज हम लोग जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स के विषय में। जैसे कि फर्स्ट में नेचुरल नंबर के विषय में जान लो। सबसे पहले आसान है, नेचुरल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे? तो गिनती की संख्या क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बच्चों हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की सभी संख्या को आप क्या बोलना? प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर इज नोन एज, काउंटिंग नंबर इज नोन एज, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर। या फिर आप कह सकते हो कि द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम वन, या नंबर जो एक से प्रारंभ होती है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जिसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है? दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर। सेकेंड, अगर मैं बात करूं होल नंबर, होल नंबर को बच्चों हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है? तो ये सब में बहुत ज्यादा हम लोग समय नहीं देंगे, बस हल्का में समझ के आगे निकलते हैं। तो पूर्ण संख्या दैट इज होल नंबर। तो काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। यदि आप काउंटिंग नंबर में जीरो को इंक्लूड करते हो तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर में एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड शोन, ठीक है? तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग कि काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो, इंक्लूडिंग विद जीरो, ठीक है? जीरो के साथ अगर इंक्लूड कर दो तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम लोग? होल नंबर्स कहेंगे। तो एक यहाँ पे नोट बना लेंगे कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है कैन बी अ होल नंबर, बट ईच होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल जीरो, जीरो कांट बी अ नेचुरल नंबर, ओके? तो ईच नेचुरल नंबर नोट में लिख लेंगे, ईच नेचुरल नंबर कैन बी अ होल नंबर, ठीक है? बट एवरी होल नंबर कांट बी अ नेचुरल। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या दिखा देना? जीरो, ठीक है? ये तो जीरो ही तो आएगा, तो जीरो। तो ये तो बहुत आसान था नेचुरल नंबर को समझना और होल नंबर को समझना। इसके बाद और दो आसान नंबर्स मैं आपको बता दूं। इवन नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन करोगे? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है? या वैसा नंबर जो किससे लास्ट करे, जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है वगैरह, ठीक है? तो इवन नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों सम संख्या, ठीक है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू, नंबर विच इज डिविजिबल बाय, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इवन नंबर। एग्जाम्पल में कुछ भी ले लो, 8, 10, 20, 180, 190, 220 एक्सेट्रा, ठीक है? तो आसान है ये सब, इसमें बहुत ज्यादा वर्क तो करना नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर बच्चों बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या को किस तरीके से डिफाइन करोगे? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है? इज नोन एज ऑड नंबर। एग्जाम्पल में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए? विषम संख्या, दैट इज ऑड नंबर। चलिए अब मेन यहां से हम स्टार्ट करते हैं, जहां से आप हमेशा भूल जाते हो डेफिनेशन ये नंबर्स के विषय में। ये तो चलो चारों बहुत ही कॉमन है, सभी को पता होता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा देखो इम्पोर्टेंट है प्राइम नंबर, ठीक है? प्राइम नंबर बहुत बार कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? जनरल कंपटीशन में ये इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं प्राइम नंबर्स से।
तो प्राइम नंबर किसको कहेंगे? सबसे पहले प्राइम नंबर्स का आप हिंदी जान लो, इसको हम लोग कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या, या शायद रूट संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य या रूट, जो भी अभाज्य संख्या कहेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन करोगे? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ, वन एंड इट्स सेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप प्राइम नंबर देखो तो टू होगा, थ्री होगा, फाइव, सेवन, इसके बाद देखो नाइन नहीं होगा क्योंकि नाइन थ्री के टेबल में आता है, इलेवन होगा, थर्टीन होगा, सेवनटीन हो गया, नाइनटीन होगा, फिर ट्वेंटी थ्री होगा, ट्वेंटी नाइन होगा, थर्टी वन होगा, इसके बाद थर्टी सेवन होगा, फोर्टी वन होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे नोट में एक बात याद रखना कि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, याद रखना, सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर हमसे पूछा जाए तो वो कौन होगा बच्चों? टू होगा। अगर हमसे इवन प्राइम नंबर भी पूछा जाए तो हम परेशान नहीं होंगे, टू इज द इवन प्राइम नंबर। अगर बोलेगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर टू, लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर दैट इज ऑल्सो टू। ओके, तो टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सब के सब ऑड होंगे। तो प्राइम नंबर का हमेशा डेफिनेशन याद रखिएगा कि दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। अब इसी के बाद हम लोग बच्चों पढ़ते हैं प्राइम नंबर के बाद ट्विन्स प्राइम नंबर। तो चलो इसको नोट करना है तो कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। बेसिक बेसिक नंबर्स है, आज हम लोग समझते हैं नंबर्स के विषय में। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखो इसके बाद बच्चे हम लोग सिक्स नंबर में देखेंगे ट्विन्स प्राइम नंबर, ट्विन्स प्राइम नंबर। बच्चों ट्विन्स प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वां अभाज्य संख्या, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो पेयर्स में आएंगे। तो किस तरह के प्राइम नंबर्स का पेयर बनेगा ध्यान देंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज टू, तो टू प्राइम नंबर तो कंटिन्यू प्राइम नंबर हमें यहां पे मिलेंगे। क्या बोलेंगे? दोज नंबर, दोज प्राइम नंबर, दोज प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज व्हाट, हुज डिफरेंस इज टू, या द डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यू, या आप क्या लिख सकते हो, द Difference between two continue prime number, two continue prime number is two. If लगा दो यहां पर, if the difference between two continue prime, sorry, prime number, if the difference between two continue prime number is two, then it is called ट्विन्स प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन्स प्राइम नंबर। तो बच्चों क्या क्या हो जाएगा ट्विन्स प्राइम नंबर में एग्जाम्पल? तो देखो वन तो हम लोग लेंगे नहीं प्राइम नंबर में, तो यहाँ पे क्या लेंगे, थ्री और फाइव ले लेंगे, फाइव और सेवन लेंगे। देखो ये लगातार है ना, थ्री और फाइव लगातार है, फाइव सेवन लगातार है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हमें मिल रहा है, दो मिल रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ट्विन्स प्राइम नंबर बोलेंगे। इसके अलावा देखो इलेवन और 13 देखो, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ट्विन्स प्राइम नंबर कहलाएगा। इसके अलावा आप 17, 19 को लो, 17, 19 देखो, ये भी क्या कहलाएगा, ट्विन्स प्राइम नंबर कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा ट्विन्स प्राइम नंबर किसे बोला जाएगा, कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज टू, देन इट इज नोन एज ट्विन्स प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर ट्विन्स प्राइम नंबर। इसके बाद होता है बच्चों को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर।
इसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। बच्चों इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे कि दो नंबर्स, अब देखो यहां पे मैं दो नंबर्स बोल रहा हूं तो कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, तो दो नंबर्स का यदि एचसीएफ 1 होगा तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ इज 1, क्या बोलोगे? दोज नंबर या फिर टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ इज 1। ठीक है, एचसीएफ इज 1 इज नोन एज व्हाट? को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखो 3,4 ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 1, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 1, तो देखो एचसीएफ कितना हो गया, 1। तो दो, वैसा कोई भी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, जैसे 7, 8 ले लो, 7, 8 में भी देखो 7 को क्या लिखोगे, 7 × 1, 8 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 1, तो देखो ये दोनों 1 कॉमन मिल गया। तो ऐसे नंबर्स को बच्चों हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, इसके बाद देखो बच्चों कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे कि वैसा संख्या जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, दोज नंबर व्हिच मोर देन टू फैक्टर। ठीक है ना, दोज नंबर्स व्हिच मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स। ओके, तो वैसे सभी संख्या जिसका दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 10 ले लो तो 2 × 5 × देखो 1 हो गया। ठीक है, तो 1 के अलावा देखो दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, जैसे मान लो कि मैं 50 ले लिया। ठीक है, तो 50 भी एक कंपोजिट नंबर है, इसको भी आप देखोगे तो 2 × 5 × 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 50 हो तो गया, इंटू क्या कर दो 1। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, इसके बाद याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर किसे कहोगे कि द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे समझेंगे, समझिए, पहले डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लेंगे, द नंबर which can be written in the form of p by q and q is not equal to 0 is known as known as rational number। रेशनल नंबर, बच्चों रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, याद रखिएगा, मैं भूल गया था हिंदी लिखना, इज नोन एज रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल में देखो 2/3 ले लो, 5/7 ले लो, 8/9 ले लो। ओके, तो ये आपका रेशनल नंबर है। 0/1 ले लो, बट 1/0 जो है ये नहीं होगा। ठीक है, 0/1 होगा, नोट में याद रखेंगे, नोट में लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन याद रखना रेसिप्रोकल अगर हमसे कोई पूछे 0 का, क्या वो एक रेशनल नंबर होता है, तो बोलना नहीं। ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल एक रेशनल नंबर नहीं होगा, बट 0 एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। इसके अलावा एक मैं और बता रहा हूं, इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, देखो बच्चों इरेशनल नंबर, 10 नंबर में क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, दोज नंबर विच कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड हियर ऑल्सो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या कैसे डिफाइन करना, द नंबर
विच कैनॉट बी या विच कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है ना. द नंबर विच कैंट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर ध्यान देंगे एग्जाम्पल में. जैसे कि रूट टू ले लो. रूट टू देखो, टू टू द पावर वन बाय टू इज नॉट इक्वल टू p अपॉन q. क्यूब रूट टू ले लो या क्यूब रूट एक्स ले लिए तो एक्स टू द पावर वन बाय थ्री इज नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू. ये पी बाय क्यू के फॉर्म में इसे हम नहीं लिख सकते हैं. ओके तो कोई भी रूट वाला नंबर्स हो, फोर्थ रूट एक्स ले लो, फिफ्थ रूट एक्स ले लो, तो ये सारा जो होगा बच्चों क्या होगा, वो रेशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होगा. दीज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. ओके याद रखना. ठीक है, यहीं पर हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर के बाद एक और कंसेप्ट देख लो बच्चों, रियल नंबर. ठीक है, तो आज चूंकि मैं नंबर सिस्टम बता रहा हूं, बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं. आपको ये सारे डेफिनेशंस पता होना चाहिए और नंबर्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. तो बच्चों रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो जितना भी अभी तक आपने नंबर्स देखा ये सब के सब क्या है, रियल नंबर्स हैं. ओके सब के सब क्या है, तो कलेक्शंस ऑफ ऑल एवर नंबर्स, कलेक्शंस ऑफ ऑल एवर का मतलब यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं कि मैंने अभी जितने भी नंबर्स आपको बताया है सबके सब क्या है, रियल नंबर है. कलेक्शन ऑफ ऑल एवर नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर. रियल नंबर. ठीक है, तो यहां पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है हम लोग से. ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल कि सेट, सेट क्या हो गया, सेट एक कलेक्शन हो गया. तो अगर हमसे सवाल पूछे कि सेट ऑफ रियल नंबर से हम माइनस कर दे सेट ऑफ रेशनल नंबर, वो सभी नंबर्स इसमें ले आएंगे जो रेशनल हो सकते हैं, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर तो क्या बचेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है. तो सेट ऑफ रियल नंबर में सेट ऑफ रेशनल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर. क्योंकि देखो बच्चों जितने भी नंबर्स है रियल नंबर्स, जितने भी आप नंबर्स देखे सबके सब रेशनल हो सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल नहीं होगा. तो पूरे रियल नंबर के सेट में से अगर हम रेशनल नंबर के सेट को माइनस करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल नंबर्स या सिंगल डिजिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, सेट के विषय में मैं टॉक कर रहा हूं. ठीक है, तो रियल नंबर का सेट पूरा फैमिली, पूरे फैमिली में से अगर रेशनल नंबर के फैमिली को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर बच जाएगा. ओके इसके बाद फिर हम लोग और भी कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि रियल नंबर लाइंस के विषय में अगर कोई पूछे तो रियल नंबर लाइन में देखो क्या हो सकता है. जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 कुछ भी आप ले रहे हो, तो यहाँ पे ना हम 1.1 भी इंडिकेट कर सकते हैं, 1.2 भी इंडिकेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन यही जब हम लोग इंटीजर्स लाइन पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग ना सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिए, इधर आप पॉजिटिव लो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और यहाँ पे क्या लो, निगेटिव. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर लाइंस एंड इंटीजर वाला लाइंस में. ओके इंटीजर वाला लाइंस में याद रखेंगे डिसिमल में हम लोग नहीं देंगे, और रियल नंबर्स में क्या हो सकता है, डिसिमल, फ्रैक्शंस कुछ भी. जैसे मैं बोलूंगा 2/3 हमें रिप्रेजेंट करना, क्या इंटीजर्स लाइन में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे या रियल नंबर्स लाइन में, तो हम लोग रियल नंबर के लाइन पे 2/3 को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, 2/3 एज ए फ्रैक्शन के रूप में है. फ्रैक्शन किसको बोलोगे कि दोज नंबर व्हिच रिटेन इन द फॉर्म ऑफ आल्सो पी बाय क्यू, वेयर पी इज नोन एज न्यूमरेटर एंड क्यू इज नोन एज डिनोमिनेटर, वहां पे वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रैक्शन कहलाएगा. ओके कोई प्रॉब्लम इसमें. तो सेट ऑफ रियल नंबर मैंने बता दिया, रेशनल नंबर घटाओगे तो इरेशनल बचेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने कि रियल नंबर्स का लाइंस में फ्रैक्शन, दशमलव कुछ भी आ सकता है, लेकिन
इंटीजर्स वाला में याद रखना, इंटीजर्स को कैसे डिफाइन करोगे, अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जो भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो और जीरो हो, सबको अगर एक साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा, इंटीजर्स बनेगा। तो आई होप आपको बेसिक नॉलेज आज मिला होगा अबाउट नंबर सिस्टम का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लास 6, 7, 8, 9 हर एक स्टैंडर्ड में आपको बताया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।